राजस्थान में बागी वोटों के सहारे राज्यसभा के रण में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा हारे। कांग्रेस ने तीनों सीटें जीती। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को मिली जीत। महाराष्ट्र के राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी सरकार को बीजेपी का जोरदार झटका। बीजेपी ने तीन सीटें जीती। शिवसेना के खाते में एक, एनसीपी के खाते में एक और कांग्रेस के खाते में एक सीट गई। कुल छह सीटों पर था मुकाबला। हरियाणा में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अजय माकन हारे। निर्दलीय लड़े कार्तिकेय शर्मा जीते। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार को भी जीत मिली। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने तीन और कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी की निर्मला सीतारामन, जग्गेश और लहर सिंह जीते। कांग्रेस के जयराम रमेश की जीत। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली राजस्थान की विधायक शोभा रानी को बीजेपी ने निलंबित किया। कारण बताओ नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब मांगा। शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग की वजह अपनी व्यक्तिगत मजबूरी बताई। नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई। यूपी में 125 से ज्यादा गिरफ्तार। पुलिस ने बताया हिंसा का बिरयानी कनेक्शन। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के ये ठेके लगे हुए हैं और जहां भीड़भाड़ इकट्ठा होती है सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़भाड़ इकट्ठा की और वहां पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया। जुमे की नमाज के बाद यूपी में हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई के आदेश। हिंसा करने वाले आरोपियों की पहचान की जाएगी। आज हरिद्वार में वीएचपी की बड़ी बैठक होगी। 11 और 12 जून को मार्गदर्शक मंडल की इस बैठक में देश भर के दिग्गज साधु संत जुटेंगे। ज्ञानवापी कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, हिंदुओं को एक करने जैसे मामलों पर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। जुमे की नमाज के बाद हिंसक भीड़ ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस वैन और थाना फूका, रेल भी रोकी। हावड़ा में 13 जून तक इंटरनेट सेवाएं बंद। राज्यपाल ने मांगी ममता सरकार से रिपोर्ट। झारखंड के रांची में भी हंगामा। यहां दंगाइयों ने तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों में आग लगा दी। हुड़दंगियों की पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए। रांची में कर्फ्यू लगाना पड़ा। होने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से की शांति की अपील। कहा कोई भी हो जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। तभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी है। झारखंड के रांची में देखा अजब नजारा। हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा लेकिन हिंसा वाली जगह पर लोग करने लगे हनुमान चालीसा का पाठ। महाराष्ट्र के सोलापुर में जुमे की नमाज के बाद निकला विशाल मार्च। ओवैसी की पार्टी की अगुवाई में निकले लोग पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान का विरोध। हैदराबाद में भी चार मीनार के पास बयान पर दिखी तकरार। बड़ी संख्या में लोगों ने नुपुर के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन। नवी मुंबई में पैगंबर विवाद बयान के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने निकाला मार्च। शांति से बुरके में मार्च निकालती दिखी महिलाएं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बवाल हुआ। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग ही तोड़ दी। मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नुपुर पर कार्रवाई की मांग। बिहार के आरा में नुपुर शर्मा पर आंसुका लगाने की मांग। मुस्लिम समुदाय ने नुपुर की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। हिंसा के बीच एक पोस्टर वायरल। पोस्टर में लिखा 10 जून को भारत बंद। माना जा रहा है कि जिस तरह के कई राज्यों में हिंसा हुई उसका इस पोस्टर से है कनेक्शन। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में नुपुर शर्मा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन। नुपुर के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर जताई नाराजगी। यूपी के हाथरस में भी नुपुर के विवादित बयान पर हिंसा। मुस्लिम समाज ने पुतला फूंका। पुलिस से झड़प की बात पथराव। 8 लोग हिरासत में लिए गए। AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील का विवादित बयान। जलील ने कहा कि नुपुर शर्मा को फांसी दी जानी चाहिए। अगर इस मामले में कड़ाई नहीं बरती गई तो ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। ऐसे बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, देश में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं, लेकिन नूपुर शर्मा और जिंदल ने जो अपमान किया वो मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भीमसेना के प्रमुख सतपाल तंवर के खिलाफ कानपुर कोर्ट में केस दर्ज हुआ। पैगंबर पर विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा पर की थी विवादित टिप्पणी। अब देश की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दीव में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उद्धव ठाकरे भी बैठक में होंगे शामिल। बैठक में सीमा सुरक्षा, सड़क, उद्योग, जल और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 13 देशों के राजदूतों से मिलेंगे। बीजेपी को जानो पहल के तहत 13 देशों के मिशन प्रमुखों से शाम 4 बजे होगी मुलाकात। आपका मिशन हिमाचल, केजरीवाल और भगवंत मान आज हमीरपुर में शिक्षकों छात्रों से मिलेंगे। शिक्षा के मुद्दे पर टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे। पानी के मुद्दे पर फिर दिल्ली और हरियाणा में तकरार। दिल्ली सरकार ने कहा, हरियाणा से पानी नहीं छोड़ने की वजह से सूखी यमुना। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नया समन भेजा। 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल पहुंचे। आज रोहतांग में अटल सुरंग का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले 2 शूटर्स के नाम का खुलासा। दिल्ली पुलिस का दावा, संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी गोली चलाने वालों में शामिल थे। लॉरेंस फिश्नोई गैंग के महाराष्ट्र मॉड्यूल से हैं दोनों। दोनों को 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। सभी शूटर्स विक्रम बराड़ ने चुने थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गिरफ्तार आरोपी केकड़ा ने पुलिस को बताया, 15,000 रुपए में लॉरेंस फिश्नोई गैंग से हुई थी डील। मूसेवाला के आने जाने पर नजर रखनी थी। केकड़ा वही आरोपी है जिसने हत्या से पहले मूसेवाला के साथ सेल्फी ली और उसके बाद बिना सुरक्षा गार्ड के आने की बात शूटरों को बताई थी। केकड़ा ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड से की थी बात। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बराड, विक्रम बराड गैंग के लोग और शूटर्स सोशल मीडिया एप्लीकेशन सिग्नल के जरिए जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पर कई फेक अकाउंट बनाकर करते हैं बातचीत। सलमान धमकी केस में पंजाब पुलिस की जांच में खुलासा। साल 2018 में भी सलमान को मारने की साजिश रची गई थी। तब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर संपत नेहरा को सौंपी थी जिम्मेदारी। संपत नेहरा ने तब मुंबई जाकर रैकी भी की थी, राइफल भी खींची, लेकिन हमला नहीं कर पाया था। सिद्धू मूसेवाला का आज है जन्मदिन। मशहूर सिंगर मूसेवाला की 29 मई को हुई थी हत्या। मूसेवाला हत्याकांड में कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं। सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। Thank you.
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।